हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन स्पेशल में हम आज एक और राखी बनाएंगे जिसमें जो कि देखिए मैचिंग इस तरीके की राखी के ये मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके की राखी जिसमें ओम लिखा हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से बंधेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी ये। और इस तरीके की राखी जो होती है ये बहुत ही कॉस्टली मिलती है मार्केट में, और आज हम आपको बताएंगे बहुत ही इजी वे में कि आप इसके ये पेंडेंट इसका यूज़ करके आप कितना इजी वे में कुछ बीज का यूज़ करके बना सकते हैं। इसके साथ में हम कुछ बीज और ले रहे हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा बीज की भी ज़रूरत नहीं है हमें इसमें करने के लिए, ये एक तरफ के बीज हैं, इस तरीके के हम इसे यूज़ करेंगे। तो आइए, और इसके साथ में हमें चाहिए होगा ये थ्रेड। मैंने एक कलर थ्रेड लिया है, ये देखिए ऐसा टू कलर्स का थ्रेड ले लिया है। टू कलर्स का इसलिए लिया है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कलर है रेड और येलो, इसलिए वो लिए हैं। और फेविकॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम जैसे यूज़ करेंगे वैसे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो ये ओम का ये पीस लिया है, इस पीस में हम पहले जो ये डोरी है इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने इसके थ्रू देखिए ऐसे ही इसके होल से डाला, और देखिए ऐसे हमने इसे लॉक कर दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कर सकते हैं, पर पहले हम एक साइड का करके करके देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये वाला पीस है, इसे करने के लिए मैंने इसके दोनों एंड्स पे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा लेना है, क्योंकि हमें बीड हमें इंसर्ट करना है, या तो हम नीडल का यूज़ करें इसको करने के लिए, पर बीड का होल बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें इसी में ही फेविकॉल लगा के और इसको ही हमें एज अ नीडल वर्क करना होगा। देखिए हम इसे बिल्कुल पतला कर लेते हैं जिससे क्या होगा, ये देखिए ये ऐसे हमने इस तरीके से इसे बिल्कुल पतला कर लिया। ये हमारे क्योंकि चार थ्रेड हैं तो इसको हम पतला करके, और अब हम अपना जो जो बीज हैं वो हम इसमें थोड़ा पतला इसलिए लंबा पतला कर देते हैं जिससे क्या होगा कि हमें जो उसमें हम डालेंगे तो बिल्कुल नीडल की तरह ही पॉइंटेड हो जाए। अब देखिए ये हो गया है, अब हम इसमें देखिए छोटे बीज डालते हैं। अगर हम इसमें देखिए एक छोटा बीज हम इसमें लेंगे, देखिए इसके अंदर आई इजीली चला जाएगा क्योंकि ये पहले से ही वो अच्छे से ये पॉइंटेड हो गया है। और ये देखिए इसके बाद हम इसको यहाँ तक यहाँ ऐसे लेके जाएंगे, ये थ्रेड जो है वो पॉइंटेड ही होना चाहिए, नहीं पॉइंटेड होगा हम बाद में जितना एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे। थोड़ा सा नहीं थ्रेड नहीं एक्स्ट्रा ही लिया गया है ये। ये देखिए इस तरीके दोनों साइड लेंगे इतना बड़ा थ्रेड तो इतना सफिशियंट होगा। अब ये हमने ले लिया, इसके बाद हम एक बड़ा बीज ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में ये इतने इतने कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में कि ये एक बार को सोचना पड़ता है कि हम इसे लें कि नहीं लें, जबकि बनाना बहुत ही इजी है इसे करने के लिए। अब इसके बाद हम इसमें सब ये जितनी भी राखी का मटेरियल है ये सब मार्केट में अवेलेबल है, इस तरीके से ये आपके पास जो रखा हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत कम ही बीड्स में यूज़ कर सक मटेरियल में हम इसे एक अच्छा सा क्या कहते हैं ये बना सकते हैं, राखी हम बना सकते हैं। और जब आप इसको पूरा बन के तैयार होगा तो देखिए कितना इजी और अच्छा लगेगा ये। देखिए इस तरीके से ये, इसके बाद ये इंसर्ट कर लेते जो भी आपके पास सामान हो, हाँ इसी से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत इतना बस एक सेंटर पीस ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बाद बस सिर्फ हमारी रिस्ट इतनी कवर हो जाए उतना हमें इसमें मटेरियल लगाना है। थोड़ा सा फेविकॉल हम इसमें जगह पे लगा दें, इस तरीके से ये हमारा एक हो गया। जितना बड़ा जितना आपको चाहिए कि हमें इतना रिस्ट हमारी कवर हो और लुक अच्छा आए उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हम ये जो है कलर्स वही यूज़ करेंगे इसमें जो ट्रेडिशनल कलर्स हों, जैसे कि रेड येलो कलर्स और गोल्डन कलर जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल कलर्स हैं, तो वही कलर यूज़ किए जाएंगे इसे का इसको बनाने के लिए। देखिए मैंने इस तरीके से रेड कलर और ये देखिए कलर यूज़ करे हैं, और सिंपल बहुत ही सिंपल वे में ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है। आप ऐसे बना लेंगे तो आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक आप जब बना के उसको आप पहनाएंगे तो वो और अच्छा इसका वो आएगा कि भाई आपने खुद ही बनाया है इसे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम करते हैं, ये देखिए दूसरी तरफ भी ऐसा करेंगे कि पहले हमने इसके अंदर ये डाल के और इसे हम नॉट कर देते हैं। देखिए ये ओम ओम सेंटर में आएगा इस तरीके से, देखिए रिस्ट पे आएगा ये, और हमने ये दोनों एंड्स हैं इस पे फेविकॉल लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम इसे बिल्कुल नीडल की तरह पॉइंटेड कर लेते हैं, ये देखिए, ताकि ये हमारे उन बीज के अंदर से पास कर जाए। देखिए कितना ये बिल्कुल इस तरह से पॉइंटेड हो जाएगा, ये देखिए पॉइंटेड हो गया है, अब ये बीज में इजीली पास कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, एकदम से डाल के और शुरू हम करेंगे तो ये ट्राई वो नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आप इसको हार्ड होने तक का टाइम दीजिएगा इसे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है इसे, ये भी होना शुरू हो जाएगा, ये भी हार्ड हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, जब तक हार्ड नहीं होगा तब तक थोड़ा सा ये, क्योंकि थ्रेड ही है वो तो थ्रेड के उसमें क्या कहते हैं, जब तक वो हार्ड नहीं होगा तब तक वो उसको, देखिए ये जैसे ये है इसमें हमें बड़ा बीड है तो हमें थोड़ा सा हमें इसे पॉइंट रखना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थ्रेड एक और एंड पे कर रहे हैं तो ये तो निकल जाएगा बाद में। इसमें ये जो है इसके थ्रू ये थोड़ा सा इसको पतला और करना पड़ेगा, जिससे कि ये बीट थोड़ा बड़ा है, बड़ा होने की वजह से एक होल से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में थोड़ा सा इसमें हम ऐसा करते हैं कि अगर ऐसा हो कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि जब नहीं जाए तो फिर आप इसको ले लीजिएगा, बाइंडिंग वायर से हम कोशिश करके देखते हैं ताकि ये इस, क्योंकि ये इस होल से पास होना ज़रूरी है, ये देखिए ये इससे इजी वे में इस तरीके से हो गया, तो इसी से कर लिया। देखिए ये जो पॉसिबल हो चीज़ वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं करने के लिए, जिससे अगर इससे जा रहा है
क्योंकि ये 8 पीसेज हो गए हैं इसके, इसलिए थोड़ा सा इसमें जाने में डिफ़िकल्टी होगी इसे, क्योंकि होल्स तो बहुत बड़े होते नहीं हैं, होल छोटे ही होते हैं इसके करने के लिए, तो इसलिए हम यूज़ इसी को करेंगे। पर अब जैसे वहाँ नहीं गया था तो हमने उस समय बाइंडिंग वायर का यूज़ कर लिया उसको एज अ नीडल की तरह। देखिए इस तरीके से, बहुत ही कम बीड्स का यूज़ करके हम इसे, या मटेरियल आपके पास थोड़ा मटेरियल है उसी मटेरियल को आप क्या कहते हैं इसको बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और सिंपल, बिल्कुल सिर्फ एक ये 100 ओम का क्या कहते हैं पीस लेके, और यही आप, ये मार्केट में सब इजीली अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। रखी आपके पास हो घर में तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और हाँ वो जो सामान है उसी से ही अगर बनाए तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। मेरे पास भी ये पीस था और ये सब चीज़ें मैं इसी के साथ में जो मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल था उसी को यूज़ करके मैं बना रही हूँ ये। ये मटेरियल ले आई, ये मार्केट में मिल जाता है तो ये ले सकते हैं, और बाकी आप सब अपने हिसाब से जो आपको कलर लगे, चॉइस कलर चॉइस आप उसकी यूज़ कर सकते हैं इसे करने के लिए। देखिए ये कितना सुंदर पेंडेंट, ये एक सुंदर क्या कहते हैं राखी बनी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे चाहें तो हम इसे लॉक कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना टाइट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हम करें। तो इस तरीके से ये देखिए ऐसा आप ये ऐसे बना सकते हैं, और देखिए आप रक्षाबंधन पे राखी खरीदने के बजाय खुद बना के देंगे तो बहुत अच्छा अच्छा लगेगा भी अच्छा, और क्या कहते हैं आपको भी खुशी होगी और जिसको बांधेंगे उसको भी खुशी होगी कि आपने खुद अपने हाथ से बनाया है। देखिए ये इस तरीके का, ऐसे मैंने एक दो और भी बना के किए हुए हैं पीसेस। देखिए इस तरीके के पीस है, इसमें देखिए ओ, इसमें इस तरीके का ओम बना हुआ है, पर ये देखिए इसमें इस तरीके का ओम बना हुआ है, ये देखिए ये ऐसा ओम है इसमें, इसमें ये इस तरीके का है। ऐसे एक तो और भी हैं, ये देखिए ये स्क्वायर शेप में, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरीके से भी आप जो भी आपको मटेरियल्स लगे कि आपको जो चाहिए है, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये मैंने ऐसे 3 राखी तैयार करी हैं ऐसी इस तरीके से। तो आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।